गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर 10 चलेगा, द सन राइजेस वंस मोर, एक बार सूरज का वापस उठना। चैप्टर 9 मैंने आपको ड्रॉप करवा दिया। चैप्टर 9 जो एक पोएम है, माय रॉबर्ट मिस बिहेविंग, ये वाला जो चैप्टर है वो मैंने आपको ड्रॉप करवा दिया, छुड़वा दिया है। आज हम चैप्टर 10 करेंगे, चैप्टर 10 की हार्ड वर्ड्स करवा दी मैं आपको। नंबर 1 है विथर, WITHERED, विथर, ड्राई अप, सूख जाना, विथर, ड्राई अप, सूख जाना। ARCHER, आर्चर, ए पर्सन हु नो हाउ टू यूज ए बो एंड एरो, एक पर्सन उसको ये पता रहता है कि धनुष बाण कैसे चलाया जाता है, मतलब जो व्यक्ति जानता है कि धनुष बाण कैसे चलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं आर्चर। नंबर 3 है शिवर, SHIVER, शिवर, शुक ड्यू टू द कोल्ड, ठंड के मारे कांपना, थरथराना, कांपना, उसको बोलते शिवर, SHIVER, शिवर। वापस रिपीट करवा रही हूँ, विथर, ड्राई अप, सूख जाना, आर्चर, ए पर्सन हु नो हाउ टू यूज ए बो एंड एरो, एक व्यक्ति इसको ये पता रहता है, जो ये जानता है कि धनुष बाण कैसे चलाया जाता है, वो धनुष, एरो, तीर। शिवर, शुक ड्यू टू द कोल्ड, ठंड के मारे कांपना, शुक मतलब हिलना भी होता है, कांपना भी होता है, सर्दी के मारे कप कपाना, कांपना, थर थराना। ये वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में राइट करना है, सॉरी ये हार्ड वर्ड्स राइट करना है, फिर मैं आपको वर्ड मीनिंग करवाऊंगी इसकी, ये नोटबुक में आप लोग राइट करिए। हार्ड वर्ड्स हो चुके हैं, वर्ड मीनिंग है इसके, SUN, सन, सूरज, SHOWN, शोन, चमकना, EARTH, अर्थ, पृथ्वी, CROPS, क्रॉप्स, फसलें, WITHERED, विथर, सूख जाना, RAIN, रेन, बरसात, CRACKED, क्रैक, दरार, BOW, बो, धनुष, ARROW, एरो, तीर, डिसअपियर, गायब होना, अपियर का अपोजिट होता है डिसअपियर, गायब होना, अपियर, दिखाई देना, FRIGHTENED, फ्राइटेंडेड, डरना, BEHIND, बिहाइंड, पीछे, MOUNTAIN, माउंटेन, पर्वत। वापस रिपीट करवा रही हूँ, ये नोटबुक में भी आपको राइट करना है, वापस रिपीट भी करेंगे और नोटबुक में राइट भी करेंगे। सन, सूरज, शोन, चमकना, अर्थ, पृथ्वी, क्रॉप्स, फसलें, विथर, सूख जाना, ड्राई अप जिसे है बोलते हैं, रेन, बरसात, क्रैक, दरार, जब बारिश नहीं होती है तो खेतों में क्रैक मतलब दरारें पड़ने लग जाती है, वो, धनुष, एरो, तीर, डिसअपियर। 13 मिनट्स मैंने आपको करवा दी थी। नंबर 14 आपको लगाना है TOWARDS, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब होता है किसी दिशा की तरफ जाना, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ, मतलब किसी दिशा की तरफ जाना, QUIET, क्वाइट, चुप, चुप रहना, SHIVER, शिवर, कांपना, थर थराना, जैसे कभी हम लोग डर के मारे या सर्दी के मारे जो कांपते हैं, थर थराते हैं, उसको बोलते हैं शिवर। SHOUT, शाउट, चिल्लाना, SCARED, स्क्रैट, भयभीत होना, डरना किसी चीज से, BROUGHT, ब्राउट, लेकर आना, ROSTER, ROSTER, रोस्टर, मुर्गा, इसको पाउ भी बोलते हैं, STROKED, स्ट्रोक, सहलाना, प्यार से किसी को हम लोग जैसे सहलाते हैं ना उसको बोलते हैं स्ट्रोक, सहलाना, FEATHERES, फेदर्स, FEATHERES, फेदर्स, पंख, WARMTH, वार्म, वार्म मतलब गर्माहट, वार्म मीन्स होता है गर्म, वार्म मतलब गर्माहट, PONDS, पॉन्ड, तालाब, HAPPY, हैप्पीली, खुशी से। वापस एक बार रिपीट करवा लूँ, 13 हो चुके थे, नंबर 14 है टू वर्ड्स की तरफ, किसी दिशा की तरफ, क्वाइट, चुप रहना, शांत रहना, शिवर, कांपना, थरथराना, शाउट, चिल्लाना, स्प्रेड, हैबिट होना, ब्राउट, लेकर आना, लॉबस्टर, मुर्गा, स्ट्रॉक, सहलाना, फेदर्स, पंख, वार्म, गर्माहट, पॉन, तालाब, हैप्पीली, खुशी से।
उसको रीड करेंगे। आपको थोड़ी समरी में बता देती हूँ इसकी। ये वर्क आपको करना है नाटक में। ये हमारा चैप्टर है द सन राइजेज वंस मोर, मतलब सूरज का एक बार वापस होना। सूरज सुबह सुबह उठता है, सन जो होता है मॉर्निंग में राइज होता है, लेकिन ये मॉर्निंग में राइज होने के बाद वापस क्या होता है, चला जाता है, वापस सनसेट हो जाता है। अब इस वापस इस सन को वापस बुलाते हैं, क्योंकि सब जब सन नहीं उठता है तो क्या होता है, पूरी जगह क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ठंड बढ़ने लग जाती है। तो वापस इसको बुलाया जाता है ताकि उजाला हो, लोगों को जो ठंड लग रही है, जो सर्दी हो रही है, उसको कम किया जाए, क्योंकि सूरज की रोशनी से क्या होता है, हमें गर्माहट मिलती है। तो जब सूरज चला जाता है, वापस अस्त हो जाता है, एक माउंटेन के पीछे छुप जाता है। इसमें क्या होता है, ये स्टोरी है द सन राइजेस वंस मोर, जो सूरज है उसको वापस राइज किया जाता है, उगा जाता है। इसमें क्या होता है, एक ब्लेज होता है, वहाँ पे 9 सन होते हैं। हाउ मेनी सन, 9 सन होते हैं। आप देखो, 1 सन होता है तो ये कितनी गर्मी रहती है, और 9 सन एक साथ जब शोन करते हैं, चमकते, तो क्या होगा, जो अर्थ है पूरा ड्राई हो जाएगा, उसमें क्रैक आने लग जाएगी, जो क्रॉप्स है वो सारी सूख जाएगी, मर जाएगी, पॉन्ड और लैक रिवर का जो पानी है वो सारा क्या हो जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा। तो एक लेस स्मॉल रिवर होता है वहाँ भी इसी तरह होता है। तो सब लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक आर्चर होता है, उस आर्चर को कहते हैं सन को शूट करने के लिए। तो वो सारे सन को एक एक करके शूट करते हैं, जो लास्ट वाला जो सन होता है वो देखता है कि मेरे तो सारे ब्रदर है ये तो आर्चर सबको शूट कर रहा है, तो मुझे भी शूट कर देगा। तो वो क्या करता है, एक माउंटेन के पीछे जाके छुप जाता है। इसके जो 9 सन होते हैं, 9 में से 8 सन को तो वो आर्चर शूट कर देता है, जो 9th वाला होता है वो एक माउंटेन के पीछे जाके छुप जाता है। माउंटेन के पीछे जाके छुप जाता है तो क्या होता है, अंधेरा हो जाएगा। फिर कैसे इस सन को वैसे कैसे राइज अप किया जाता है, कैसे उगाया जाता है, वापस कैसे बुलाया जाता है, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं आपको ये चैप्टर अपना रीड करवाऊंगी, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग आपको लर्न भी करते हैं, राइट भी करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी तब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू।